नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत महान शख्सियत मौजूद हैं, इंजीनियर घनश्याम अहिरवाल जी, जो फेसबुक वगैरह सब जगह नज़र आते हैं और ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद को बहुत अच्छे से धोते हैं। तो अहिरवाल साहब, एक बात बताइए, धर्म और पाखंड में क्या फ़र्क है वो बताएँ। धर्म और पाखंड में इतना फ़र्क है जैसे कि जैसे बोलते हैं कि शनिवार को दाढ़ी नहीं बनानी है जी। ये पाखंडवाद है जी। और धर्म ये है कि कोई भी आदमी जो निःशक्त आदमी है, जिसको कोई मदद की ज़रूरत है, उसको हम मदद करें, वो धर्म है। ना कि कोई पत्थर पे कोई जल चढ़ा रहे हैं या कोई गाना बजाना बजा रहे हैं, वो धर्म नहीं है जी। और बाकी सब पाखंडवाद है। तो मैं चाहता हूँ समाज को कि मतलब बाबा साहब के अनुयायी बने, बाबा साहब की किताब पढ़ें, सब कुछ संकट दूर हो जाएगा। और जो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि जैसे अभी मैं टीकमपुर को बिलोंग करता हूँ, अहिरवाल समाज का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, तो मैं अपने पूरे एमपी में मैंने बीड़ा उठाया है कि अपने समाज के लोगों को जैसे मरने के बाद इलाहाबाद हड्डी ले जाते हैं और वहाँ से एक बोतल पानी भर के लाते हैं और सबको पिलाते हैं, जबकि वहाँ बैठा बैठा जो वहाँ पर ब्राह्मण बैठा है वो खुद बिस्लरी का बोतल पीता है। तो मैंने अपने पूरे अहिरवाल समाज में और ये मृत्यु भोज को भी बंद करवा दिया है। और इस तरह के पाखंड के लिए मैं हम कार्यरत हैं और जीवन रिटायरमेंट के बाद पूरा एनजीओ के लिए समय दूंगा। जय भीम, जय भारत जी। आपने बहुत अच्छे से बताया है कि और कहीं ना कहीं हम लोग गौमूत्र वगैरह जैसी चीज़ें होती है, क्या उससे एनर्जी होती है या हमारा शुद्धिकरण होता है, वो भी आप अहिरवाल साहब बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई शुद्धिकरण नहीं होता है। गाय एक जानवर है जिस तरह से भैंस जानवर है जी, और हमें उसको जानवर की तरह ट्रीट करना चाहिए। हालांकि उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो भी एक जानवर है, वो कम से कम उससे ज़्यादा दलित ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाय से। अहिरवाल साहब, एक बात और बताएं कि जैसे हम लोग उसको गंगा जल की जगह हम लोग गौमूत्र को लोग ज़्यादा पीना पसंद करते हैं कि उससे बोलते हैं शुद्धिकरण हो जाएगी या हमारे जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरियाज नहीं होते हैं या कहीं ज़्यादा गंगा जल से भी पवित्र होता है गौमूत्र? वो क्या है, ब्राह्मण लोगों ने आस्था के नाम से अपने समाज को भ्रमित कर रखा है और हमारे समाज को बाबा साहब की किताबें पढ़ के और हम लोग जैसे सामाजिक संगठन से जुड़ के तार्किक बनना चाहिए, तर्क से जवाब देना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। और जिस तरह से हमारा समाज नशा में भी डूबा हुआ है, वो नशे को भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। और धन्यवाद। चलिए, ये थे अहिरवाल साहब, इंजीनियर अहिरवाल साहब, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।